बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अपने ज़िंदगी के मामलात को बखूबी इन्जॉय कर रहे होंगे, खेल कूद के साथ साथ अपने दिगर सब्जेक्ट को भी देख रहे होंगे। आज हम साइंस के यूनिट 2 के एक्सरसाइज में सेक्शन सी में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और फिर हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट सेल इफ इट हैड नो सेल वॉल। प्लांट सेल का क्या बनता, क्या होता अगर इसकी सेल वॉल ना होती। तो बड़े मुख्तसर से हमने जवाब लिखे हुए और यही आपने अपने नोटबुक पे लिख लेने कि इट, इसका आंसर इस तरह है कि इट विल कोलैप्स बिकॉज सेल वॉल गिव प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि जनाब अगर हमारे वो अभी हमने पढ़ा था MCQs कि अगर हमारी बोन निकल जाए बॉडी से तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा। इस तरीके से जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को जो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है अगर वो ही ना रहे तो फिर प्लांट सेल की जनाब जो है ना प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्ट्रेंथ और डेफिनेट शेप वो नहीं रहेगी, कोलैप्स हो जाएगा प्लांट सेल इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज अ सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सेल में जो है ना वो वाटर और न्यूट्रिएंट कैसे आते हैं। अगर हम एक आम सेल की बात करें विदाउट स्पेसिफिकेशन कि एनिमल सेल या प्लांट सेल, तो हम जस्ट सेल की बात कर रहे हैं। तो एक सेल बेसिकली ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट लेता है वो अपने सराउंडिंग मीडियम से ले रहा है और वो ले रहा है वाया सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में होते हैं गेट्स, चैनल होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल विच इज़ कमिंग इनटू द सेल और विच इज़ गोइंग आउट ऑफ सेल, या जिसको रिलीज़ किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है वो तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो सेल मेम्ब्रेन गेट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में गेट्स होते हैं तो जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो और इस प्रोसेस का नाम जिसके ज़रिए ये चीज़ें सेल में दाखिल होती हैं वाया सेल मेम्ब्रेन, उसको कहा गया है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो इस तरह एक किस्म का प्रोसेस है, इसके ज़रिए जो है ना वो सब्सटेंसेस सेल में दाखिल होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू। क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यू होते हैं? जी नहीं होते, बिल्कुल सही कहा आपने। इनके ये तो होते ही यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले हैं, तो टिश्यू कहाँ से हुए? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। तो बहुत सारे सिमिलर सेल हों, मोर देन 2 एंड 2 से ज़्यादा, तो वही टिश्यू बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर जानदार तो एक सेल पे मुश्तमिल है, तो उनके टिश्यू नहीं होते। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तो मतलब जो है ना यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल मीन। सेल की स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है? इट मीन अ स्पेसिफिक फंक्शन इज परफॉर्म बाई अ पर्टिकुलर सेल। अ नर्व सेल कंडक्ट मैसेज इन द बॉडी विच इज़ नॉट डन बाई एनी अदर टाइप ऑफ सेल। सेल की जो स्पेशलिटी है या सेल की स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ख़ास जॉब परफॉर्म करना बाई अ पर्टिकुलर सेल, एक ख़ास सेल एक ख़ास जॉब परफॉर्म करता है। जैसे नर्व सेल है, उनका काम है बॉडी के अंदर मैसेजेस को कंडक्ट करना जो कोई और सेल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू प्लांट सेल नीड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल को इन दो ऑर्गेनाइल्स की क्यों जरूरत पेश आती है, क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ सेल है और इससे एनर्जी रिलीज करते हैं। ग्लूकोज तैयार होता है बाय फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये है जनाब जो है ना इन दोनों ऑर्गेनेल्स की अहमियत प्लांट सेल में कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये और कैसे जनाब जो है ना ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के बगैर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल सेल में भी होते हैं प्लांट सेल में भी होते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के लीफ सेल में होते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल में होते हैं, तो इसलिए ये इनके फंक्शन है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारा सेक्शन होता है डी, गिव डिटेल आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास टेक्स्ट बुक में भी है, अगर हम इसको देखें टेक्स्ट बुक की फॉर्म में, इसमें ये हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर गिव डिटेल आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन दी वेन डायग्राम बिलो कंपेयर्ड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये दो सर्कल बने हुए हैं ओवरलैपिंग है एक दूसरे के साथ, ये जनाब जो है ना मिक्स हो रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। प्लांट सेल लेफ्ट पे राइट पे एनिमल सेल है, इनमें आपने कंपेयर करना है। इन इसको कहते हैं दो सर्कल को वेन डायग्राम, एनिमल सेल को कंपेयर करना है प्लांट सेल को कंपेयर करना है। तो जो ओवरलैपिंग रीजन है ना सर्कल्स का, इसमें आपने वो ऑर्गेनेल्स लिखना है जो दोनों में कॉमन है और जो इनके अपने अपने हैं वो आपने इधर इनके अपने सर्कल में लिख देने हैं। तो ज़रा इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ये फॉर्म है जी, जो कॉमन है वो मैंने इस तरह लिखे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन करें, जो कॉमन इनके पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, वैक्यूल दोनों में होता है, अगरचे थोड़ा सा फ़र्क है। प्लांट सेल में जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉलर वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस दोनों में होता है, राइबोसोम भी दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, ये वो मतलब ऑर्गेनेलिज हैं सिलेक्टेड सम जो दोनों में पाए जाते हैं। बाकी जो इनके अपने अपने हैं वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए, जो रह जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। यानी प्लांट सेल के जो है सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, आप इसमें ये लिख सकते हैं, ये दो इसकी जो है ना आ जाएंगी। वैक्यूल क्योंकि इसे कॉमन में आ गया तो लिहाजा दो चीज़ें आपने यहाँ लिख देनी है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। एनिमल सेल की जो अगर यहाँ मेंशन है कोई ऐसी ऑर्गेनेली या कोई ऐसा पॉइंट इस लेवल पे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं, कम से कम एक नाम तो आपके पास आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर टू ये है हमारे पास लॉन्ग में, व्हाट आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, हाउ आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट कैसे होते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम और ये हैं क्या ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि आप इस अपनी नोट्स की नोटबुक्स पे भी लिखेंगे, इनको बाकायदा हेडिंग देके लिखेंगे, पहले आप व्हाट आर का जवाब देंगे कि व्हाट आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, तो आपने हेडिंग देनी है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, अंडरलाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हल हो जाएगा। दूसरा पार्ट रह जाएगा कि हाउ आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं जो कि ना लाइफ प्रोसेसेस को फिर रन करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़े हैं उसको हम ब्रीफली मेंशन कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, हेडिंग देने के बाद ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस। एक रिलेटेड सिमिलर ऑर्गन का ये ग्रुप होता है ऑर्गन सिस्टम, जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं ताकि जो है ना ख़ास लाइफ प्रोसेस, ख़ास काम जो है ना लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये तश्कील ले सके, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें जनाब जो है ना हमने पढ़ा था 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में,
इसमें से जो बुक में मेंशन है वो ये यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ब्रीफली विदाउट डायग्राम आपने लिखने हैं, और अपनी मर्जी से इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा बुक में अरेंजमेंट है वैसे ही लिखें। स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम ये हमारा ढांचा बनाता है, इसको हम यूँ कहते हैं सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स ऑफ बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट मूव ब्लड अराउंड द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हीट। नंबर फोर पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन इनटेक में और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है बॉडी से। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स पे मुश्तमिल होता है ये जनाब, जो है ना हमारी बोन के साथ मिलके हमें जो है ना स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में बॉडी की ये हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अम्ल अखराज यानी एक्सक्रीशन जो है वेस्ट मटेरियल का, उसमें हेल्प करता है यूरिन की फॉर्म में। इट फिल्टर द ब्लड, इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ब्लड को फिल्टर करता है और बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं कि इट फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक हो गया जी। लास्ट सिस्टम बॉडी का, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम। आसाबी निज़ाम जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है, और जनाब इट कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ बाय कोऑर्डिनेशन, कि तमाम जिस्म के सिस्टम के दरमियान एक रबत पैदा करके, एक लिंक पैदा करके, उनको आपस में स्मूथली हेल्दी वे में ये उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, और तमाम फिर बॉडी के सिस्टम जो हैं वो इस नर्वस सिस्टम के ताबे हैं। जी बेटा, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर ह्यूमन, व्हाट आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम एंड हाउ आर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इम्पॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है? ये स्टेटमेंट हमारे सामने है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर आर्म आर शोन इन द डायग्राम, हमारे बाजू के मुख्तलिफ हिस्से डायग्राम में दिखाए गए हैं। आइडेंटिफाई टिशू, टिशू को आइडेंटिफाई करना है जो इन पार्ट्स में दिखाए गए हैं आर्म के, और इनके फंक्शन भी लिखने हैं। तो ये जो डायग्राम है बाजू की, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स को दिखाया गया टिशू के, इनको पहचानना है और फिर इनके फंक्शन भी लिखने हैं। तो ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम मैं भी एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरफ जाएंगे, ये रही। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो स्किन बाजू में आर्म में हमें नज़र आ रही है, देन मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उसके बाद ब्लड है, कार्टिलेज है, बोन है, फैट्स। तो ये डेफिनेटली हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है क्योंकि लेबलिंग की हुई है इनकी। हमने जो है ना इनको असल में फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है जी। तो ये देखिएगा, इसमें स्किन, स्किन का क्या फंक्शन है? जल्द हमारी, आप जानते होंगे कि जल्द जो है ना, स्किन हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर है और बैरियर होती है, ये जरासीम अंदर दाखिल नहीं होने देती। अगर ये अनकट फॉर्म है यानी चोट ना लगी हुई, कोई कट ना हो, तो ये अगर इसी तरह ये महफूज है, इंटैक्ट है, तो ये प्रोटेक्शन देती है। तो इट कवर दी आर्म, हम बाजू की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे बाजू को पूरे कुछ ने कवर किया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर जनाब जो है ना, सेंसेस ऑफ टच है, स्किन में टच का भी पता लगता है, प्रेशर डालें प्रेशर का भी मालूम हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो सर्दियों में या जनाब जाना किसी ऐसी ठंडी जगह पे चले जाएँ तो हमें ठंड का एहसास होता है, गर्मी का, हीट का भी एहसास होता है, स्किन के थ्रू हमें मालूम हो जाता है। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। सर्दियों में हमारे जनाब जो है ना गूज बम्प जो होते हैं, ये स्किन के हेयर ये इरेक्ट हो जाते हैं, हवा ट्रैप हो जाती है, इंसुलेशन है, और गर्मियों में हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड है
वो पसीना खारिज करते हैं और इससे हमारा बॉडी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये बड़ा यानी बॉडी टेम्परेचर में बड़ी हेल्पफुल है हमारी स्किन। नंबर टू मसल, बाजू में जो डायग्राम लेबल की गई है मसल के बारे में, तो इसमें देखें इट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बॉडी की जो कंट्रैक्शन हो रही है और जो रिलैक्सेशन हो रही है इसमें जो है ना ये मसल हेल्प करते हैं। देन नर्व्स, नर्व्स क्या करती हैं, ये न्यूरॉन सेल्स की एक्सटेंशन है, उसके फाइबर हैं बाजू में फैले हुए हैं, सेंसेशन भी देती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, सेंसेशन है और बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन है, इसमें ये सेंसेशन हेल्प करती हैं। जनाब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आर्म की डायग्राम में दिखाए गए हैं। यहाँ पे फैट्स, हमारे बाजू में हमारे आर्म में जो फैट्स का पोर्शन है वो क्या काम करता है? जी, फैट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड वेदर, स्पेशली सर्दियों में। अब जिन अफराद की बाजू ज़रा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उनके स्किन के अंडर फैट्स की लेयर भी होती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। इंसुलेशन का काम करती हैं, ठंडी हवाओं को, ठंड को ये अंदर जज़ब नहीं होने देती हैं। अगरचे गर्मियों में उनके लिए थोड़ा मसला होता है कि पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन विंटर सीजन में इन फैट्स का बड़ा रोल है। इंसुलेशन के साथ साथ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। जब हमें हमारे जिस्म को जो है ना एनर्जी चाहिए हो और हमें जनाब फूड भी ना हमने खाया हो, खाना भी ना खाया हो, डाइजेस्ट भी फूड ना हुआ हो, तो उस सूरत में ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करते हुए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। फिर फैट्स की ब्रेक डाउन होती है और फैट से एनर्जी हासिल होती है बोन। बोन तो बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ये बाजू का भी होगा। हमारे बाजू को जो है ना प्रॉपर शेप दे रही है बोन। अगर हम देखें शोल्डर से लेके कोहनी तक, एल्बो तक, और एल्बो से फिर इस उंगलियों तक, ये सब जो है ना बोन पे हैं। तो बोन जो है ना मेरे बॉडी इस पार्ट को, बॉडी के इस पार्ट को क्या दे रही हैं, डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट। कार्टिलेज, कार्टिलेज लचक देती है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट एल्बो जॉइंट, स्पेशली बिटवीन अपर एंड लोअर आर्म। ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ये हमारे कोहनी का जोड़ है, एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे जो कनेक्शन है कार्टिलेज के लिए है। कार्टिलेज यहाँ मतलब यहाँ पे मौजूद होती है, जहाँ बोन टू बोन कनेक्ट हो रही है वहाँ पर जो है ना कार्टिलेज एक जो है ना अपना कनेक्टिंग रोल प्ले कर रही होती है। तो इसमें ये लचक यानी कि इलास्टिकसिटी प्रोवाइड करती है। ब्लड, ब्लड ब्लड वेसल हमारे बाजू में हैं, खून की नालियाँ हैं, तो ये जनाब ट्रांसपोर्ट करती हैं डिजॉल्व डाइजेस्टेड फूड, मिनरल वेस्ट एंड गैसेस। ये इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना कि डिजॉल्व खून में शामिल जो हैं या हलशुदा डाइजेस्टेड फूड, हजमशुदा खुराक, मिनरल्स, मुख्तलिफ वाइटामिन उसमें, और उसमें जनाब जो है ना सॉल्ट आयंस, वेस्ट गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये था जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम अपने यूनिट के जो एक्सरसाइज है इसका लास्ट पोर्शन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसमें पहुंच चुके हैं। तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से हल होते हैं। जब तक हम सोचे ना समझे ना, ये पोर्शन जो है हल नहीं होता हमसे। तो इसके लिए जो है ना हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट करना है, अलर्ट फॉर्म में रहना है, ताकि हम पहले स्टेटमेंट को समझ लें, फिर जो है ना इनके आंसर तलाश करें। क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसके साथ दिए हुए क्वेश्चन को, और तब हमें इसका आंसर मिलेगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, दी फॉलोइंग डायग्राम शो दी टू प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में दो प्रोसेस हो रहे हैं उसकी डायग्राम के जरिए शो है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इसमें इन सवाल ये हैं, उन सवाल तीन सवाल हैं, तीन सवालों का हमें जवाब देना है। पहला सवाल, विच प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जी आप समझ गए होंगे,
कौन सा प्रोसेस है जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो रहा है, यानी कि पत्तों में हो रहा है, लीफ में हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस होती है। नंबर टू, विच प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल इन एट ऑल टाइम, तमाम लिविंग सेल में तुम हर वक्त कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, वो हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तुमको डायग्राम में प्रोसेस तो दो दिखाए हैं, एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम हो रहा होता है, ऑल लिविंग सेल में हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स में होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच प्रोसेस ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, अभी मैं अभी बता चुका हूँ आपको, वो है जनाब फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ डे टाइम में होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच प्रोसेस कैन हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एयर, हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी वजह से है, क्योंकि जंगलात कट रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन और कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से हवा में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कटी हो चुकी है और हो रही है, तो इसकी वजह से जो है ना ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में ये पैदा हो चुकी है। तो इसको काबू तभी पाया जा सकता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये कम किया जाए, और वो तभी कम किया जा सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करने वाली मशीन है वो है प्लांट्स, उसको लगाएं, यानी प्लांटेशन करें, फॉरेस्ट लगाएं। तो दैट इज़ द बेसिकली, जब प्लांट लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्लांट उगेंगे, तो उन सब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं डे टाइम में। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हवा में कम करता है। नंबर फाइव, विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ सोलर पैनल, प्लांट के अंदर सोलर पैनल कौन है? वैसे तो हमने सोलर पैनल देखे हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सिर्फ सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो लेकिन कुदरती सोलर पैनल कौन है? कुदरती सोलर पैनल हैं लीव्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, और लीव्स में मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल जो हैं लीव सेल, उसमें मौजूद होते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑर्गेनेलिज, वो हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम यानी अगर वो देखें ना ऑर्गेनेलिज लेवल पे, तो वो जो स्ट्रक्चर हैं वो जो कि सोलर पैनल का काम कर रही हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको फिर जो है ना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ना वो स्टोमेटा के थ्रू हवा में आ जाती है, जिसको एनिमल और हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जबकि एनर्जी जो होती है वो प्लांट में मौजूद होती है, प्लांट सेल खुद भी यूज़ करते हैं ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से, और फिर उसको वो जो है ना कंडेंस फॉर्म में स्टोर भी करते हैं स्टार्च की शक्ल में। ये था हमारा पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन में, सेक्शन ई में, वो भी डायग्राम बेस है, डायग्राम इसमें दिखाई गई है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, और लेबल किया गया है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स का सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, किस लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क क्लोजली विद दी रेस्पिरेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड ए ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ बॉडी, हार्ट पंप द ब्लड, लंग्स एड ऑक्सीजन इन द ब्लड एज वेल एज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एज शोन इन द फिगर। अगर आप इस फिगर में देखें, नेक्स्ट में, सॉरी, इसमें ये पेज नंबर है 34, 34 में आप इसमें देखेंगे, ये फिगर है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। इसमें लंग्स एक बॉक्स की शक्ल में दिखाए गए हैं, हार्ट एक कॉनिकल कोन फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पर आप देखें तो ये ए और सी, ये ब्लू पोर्शन है, ये शो करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
और जबकि जनाब जो है ना राइट साइड पर रेड पोर्शन है बी एंड डी, ये शो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस पे सेक्शन तीन है, पहला जो सेक्शन लंग्स का है, दूसरा हार्ट का, और तीसरा जो बॉक्स है बॉटम पे वो बॉडी पार्ट्स को शो कर रहा है। तो इसको हमने समझ लेना, जब तक ये डायग्राम नहीं समझेंगे हमें इस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। लंग्स, लंग्स के अंदर भी हम देखें तो लंग्स में काफ़ी बड़ा पोर्शन ब्लू कलर का है, ब्लड जो है ना वो ब्लड वेसल ए के ज़रिए आ रहा है लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसमें, ऑक्सीजन कम है। यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वो फिर रेड कलर का यहाँ दिखाया गया, फिर वो लंग्स से ब्लड वापस आता है वाया ब्लड वेसल बी इन टू दी हार्ट इसमें, और यहाँ से फिर ब्लड जो है ना वो पंप हो रहा है वाया ब्लड वेसल डी और ये बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। ठीक है जी, मैंने जो यहाँ पे डिवीजन की है लेफ्ट और राइट की, वो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से की है जी, लेकिन अगर हम इसको रियल फैक्ट पे देखें तो रियल फैक्ट में ये है कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये वाला, ये इसको हम यूँ कहते हैं कि ये असल में इसका डीऑक्सीजनेटेड कैरिंग ब्लड पोर्शन है, और जो ये रेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्शन है। लेकिन जो हमारा दिल होता है, दिल के लेफ्ट साइड पर जो पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर आपको मालूम है एट्रिया, लोअर वेंट्रिकल, उसी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस डायग्राम की मदद नज़र हम इसको अगर समझेंगे और सवालों के जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ब्लड पाइप हैव, ब्लड पाइप्स हैं उनमें क्या क्या है। ए हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कौन से ब्लड पाइप में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। तो ब्लड पाइप्स हमारे पास चार हैं, ए बी सी डी, तो जो रेड वाला होगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन वो ब्लड पाइप जो लंग्स से ब्लड लेकर आ रहा है हार्ट में, ये क्योंकि बराह रास्त लंग्स से लेकर आ रहा ब्लड ऑक्सीजनेटेड और उसको हार्ट में जनाब ड्रॉप कर रहा है, तो वो ब्लड पाइप है बी, बी ब्लड पाइप में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर बी, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होगा जी ए में, क्योंकि ये पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आया है, डीऑक्सीजनेटेड लाके इसने दिल में डाला है, और यहाँ से फिर ये ब्लड वेसल के ज़रिए लंग्स की तरफ जा रहा है ताकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन इसमें जो है ना शामिल हो जाए, तो यहाँ पर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। देन सी पे हम जाते हैं, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लो लेवल किस में होगा। ऑक्सीजन का लो लेवल जो है ना वहाँ पर होगा जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये ब्लड वेसल में हम सी को देखें, ये सी क्योंकि बॉडी पार्ट्स से ब्लड जो है ना वो ड्रेन हो रहा है, यहाँ से वापस लाया जा रहा है वाया ब्लड वेसल सी, ब्लड पाइप सी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो पाइप सी है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल लो है जी। ये तो था इस डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर टू। रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हम अब लास्ट सी आर क्यू की तरफ बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायग्राम बेस है, इसमें ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ में जनाब जो है ना रीडिंग होती है, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ को देख लेंगे।
अनम मयर हर पल्स रेट बिफोर शी एक्सरसाइज। अनम जो एक गर्ल है वो वर्जिश करने से पहले है ना अपनी नब्स की रफ्तार को मयर कर लेती है, राइट डाउन कर लेती है, लिख लेती है। इट इज़ 70 बीट्स पर मिनट, उसकी नब्स की रफ्तार जो है 70 बीट्स पर मिनट है, कि 70 पर मिनट के हिसाब से वो राइट डाउन कर लेगी। उसकी नब्स की रफ्तार है, पल्स रेट है। फिर वो एक्सरसाइज शुरू करती है, 2 मिनट एक्सरसाइज करती है। शी एक्सरसाइजेज फॉर 2 मिनट एंड मयर हर पल्स रेट अगेन, दोबारा पल्स रेट को मयर करती है। शी देन मयर इट एवरी मिनट फॉर सेवरल मिनट, फिर वो कई मिनट एक्सरसाइज करती है, लेकिन हर मिनट 1 मिनट एक्सरसाइज करती है, उसके बाद मयर करती है, फिर 1 मिनट एक्सरसाइज करती है, फिर मयर करती है। इस तरह जनाब जो है ना वो ये डाटा जो है रिकॉर्ड कर लेती है, डाटा रिकॉर्ड करके ग्राफ पेपर लेती है, उसके ऊपर इसको जो है ना अरेंज कर लेती है। इस तरह जनाब जो है ना इसको ग्राफ बना लेती है। ग्राफ बना कर वो जनाब हमें भी दिखाया गया है यहाँ पे कि अनम ने जो ग्राफ बनाया है वो कैसा ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पर। ये ब्लू बॉक्स इज़ इक्वल टू पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, यानी उसने कितने दौरानिए तक वर्जिश की है वो है। वाई एक्सेस पे आप देखें रीडिंग जो है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ये वाई एक्सेस पे वर्टिकली पल्स रेट है, नब्स की रफ्तार है बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल से शुरू हुई थी 70 से, एक्सरसाइज करने से पहले 70 थी। अब जैसे उसने एक्सरसाइज शुरू की है तो हुआ क्या, मेटाबॉलिक रेट बढ़ी है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ी है तो उसके नतीजे के तौर पे उसकी पल्स रेट भी बढ़ी है और एक इंतहा तक पहुंच गई है, एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंची है, वो है 130 बीट्स पर मिनट, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी वाक़ होती है, वो जाती है तकरीबन 125 बीट्स पर मिनट। फिर उसके बाद एक कमी आती है, ठीक ठाक किस्म की डिक्लाइन है, डिक्लाइन जो है वो दोबारा आके रुक जाता है 70 पे, यानी जब वो वर्जिश करना ख़त्म कर देती है, आराम करने के लिए बैठती है, उसका सांस बहाल होता है, तो फिर उसकी जो है ना पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है, वही हो जाती है जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थी जी। लेकिन जो एक्स एक्सिस अगर आपका उसमें क्या है, उसमें टाइम है मिनट का 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मिनट्स, यानी दिखाया गया है कि कितना पीरियड है। तो ये बॉक्स जो दिया हुआ है 2 और 4 के दरमियान 50 की रीडिंग है यहाँ पर वाई में शुरू में, यानी कि पल्स रेट 50 हो तो उस वक्त जनाब जो है ना ये बॉक्स है जो 2 और 4 मिनट के दरमियान है, ये पीरियड है। तो सवालात हमारे सामने हैं जी, इन सवालों का जवाब देंगे और लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। नंबर ए, वाई डज हर पल्स रेट कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब वो वर्जिश कर रही है तो उसकी पल्स रेट क्यों बढ़ी जा रही है, उसमें क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ रही है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए जनाब जो है ना रैपिडली वो सांस ले रही है, ब्रीथ ले रही है, हाँप रही है, तो इसलिए जनाब जो है ना मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा चाहिए बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए जनाब जो है ना उसकी पल्स रेट भी हार्ट बीट के साथ साथ बढ़ रही है। बी, आफ्टर हाउ मैनी मिनट डज हर पल्स रेट रिटर्न टू नॉर्मल, कितने मिनट के बाद उसकी जो है ना पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है। अगर हम मिनट वाले इस सेक्शन में देखें तो तकरीबन आप कह लेंगे कि 12 मिनट के बाद जब उसने वर्जिश करना छोड़ दी, तो तकरीबन 12 मिनट का ये वक्फा है, इंटरवल है, टोटल ड्यूरेशन है, इसमें उसकी जो है ना पल्स रेट हो गई नॉर्मल। और सी, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हर दैट, इस नतज से क्या निकाल अक्स कर सकते हैं, क्या नतीजा जनाब हम कंक्लूड कर सकते हैं इन रिजल्ट से? वो नतीजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो नॉर्मल है, तो हार्ट बीट नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है। जैसे जैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, हार्ट बीट में इजाफा होता है, ब्रीथिंग रेट में इजाफा होता है, तो पल्स रेट में भी इजाफा होता है। ये सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये थे जनाब जो है ना आज का हमारा लेक्चर पेज 34 पे। प्रोजेक्ट जो है ये एक एक्टिविटी होती है,
ये मॉडल बनाना था लंग्स का, ये तब हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लैब में जाना शुरू करेंगे, क्लासेस ओपन हो जाएंगी तब। ठीक है बेटा, तो इसका नोट्स में भी हम जवाब देख लेते हैं। ये देखें, ये जवाब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन ए का, ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसकी जो है पल्स रेट बढ़ रही होती है, कितने मिनट के बाद उसकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है, वो लिखा था आफ्टर 12 मिनट्स। और कंक्लूजन क्या होता है रिजल्ट से, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। पल्स रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रीथिंग रेट एंड फिजिकल एक्टिविटी। एज सुन एज सम वन स्टार्ट एक्सरसाइज, जैसे ही एक शख्स वर्जिश शुरू करता है उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, उसकी मेटाबॉलिक रेट में इजाफा होता है, और जनाब जो है हाइस्ट लेवल तक चली जाती है 130 पर मिनट तक। उसके बाद जनाब जैसे ही वो वर्जिश स्टॉप करते हैं, सांस बहाल होता है, तो ये भी नॉर्मल हो जाती है आस्ता आस्ता, ब्रीथिंग रेट के साथ साथ पल्स रेट भी। तो मुझे दीजिए इजाज़त बेटा, आज का लेक्चर था यहाँ तक। इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे देखा, इसे गो थ्रू हुए, तमाम क्वेश्चन के सवाल डिस्कस किए। तो आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक तैयार कर लेनी है और फिर वक्त आने पे चेक करानी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।